आपने सुना है कि जिस दूल्हे को शादी के लिए मंडप में जाना था वो शादी के लिए ना जाकर निर्वाचन कार्यालय में नामांकन भरने के लिए पहुंच गया। ऐसा ही एक वाकया महाराष्ट्र में हुआ है। आइए जानते हैं इस वाकये से जुड़ी पूरी जानकारी। जी हाँ, ऐसा ही एक वाकया महाराष्ट्र में हुआ है। यहाँ पर सुदामा इंगोले नामक उम्मीदवार जब दूल्हे के वेश में लोकसभा का नामांकन भरने के लिए निर्वाचन कार्यालय पहुंचा तो वहाँ के अधिकारी भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने ये भी देखा कि दूल्हे के साथ जो लोग थे वो सब बराती थे या दूल्हे की बारात बजाय मंडप में दुल्हन के पास पहुँचने के निर्वाचन कार्यालय पहुँच गयी। निर्वाचन कार्यालय में मौजूद लोग भी बेहद आश्चर्य के साथ ये देखने लगे कि दूल्हा शादी करने निकला है या फिर चुनाव लड़ने। लेकिन जब पूरा किस्सा सामने आया तो सभी को बेहद आश्चर्य हुआ। ये कि ग्राम बदनापुर तालुका में दूल्हे इंगोले की शादी थी और शादी में सभी दोस्त और रिश्तेदार आए थे। इसी दौरान दूल्हे के जाने क्या सूझा कि वो शादी करने के पहले लोकसभा चुनाव का पर्चा भरेगा। दूल्हे को बहुत समझाया गया लेकिन दूल्हे ने कहा कि शादी वो बाद में करेगा और पहले फॉर्म भरेगा, क्योंकि उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि किसानों को गाली दी जाती है और उनके ही नाम पर लोग राजनीति करते हैं। इंगोले खुद भी किसान है, इसलिए उसने कहा कि वो लोकसभा चुनाव में खड़ा होगा और चुनाव भी जीतेगा, लेकिन शादी करने के पहले वो फॉर्म जरूर भरेगा। दूल्हे की जिद पूरी करने के लिए उसके दोस्तों और सभी बराती उसके साथ जाल निर्वाचन कार्यालय में गए और वहां पर पहले फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी की और उसी दिन शाम को फिर इंगोले ने शादी की। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।